जयपुर के विश्वकर्मा थाना अंतर्गत मानव तस्करी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चूड़ी बनाने वाले कारखाने में छापामारी कर 7 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मामले में पुलिस ने कारखाना मालिक मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद वारिक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोड नंबर 17 में स्थित उद्योग नगर इलाके के एक चूड़ी बनाने वाले कारखाने में जहां बच्चों से काम कराया जा रहा था छापेमारी कर बच्चों को आजाद कराया। बहरहाल पुलिस ने मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद वारिक के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज करते हुए मामले को अंजाम दिया।